हर जगह हर देश में शादी में अलग अलग तरह की रस्में और रीति रिवाज माने जाते हैं, लेकिन कई बार तो ऐसी रस्में होती हैं जो आश्चर्य में डाल देती हैं। आज ऐसी ही एक शादी की रस्म की बात बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल अजीब है। ये रस्म शादी के बाद निभाई जाती है। शादी के बाद ये अनोखी रस्म इंडोनेशिया के टिडोंग नामक समुदाय में निभाई जाती है। इस रस्म को लेकर कई मान्यताएं हैं जिसके चलते लोग इसे निभाते हैं। इंडोनेशिया के टिडोंग समुदाय बिरादरी के लोग इस रस्म को बहुत अहम मानते हैं। इस रस्म को वो पूरी संजीदगी के साथ निभाते हैं। इस रिवाज के पीछे मान्यता है कि शादी एक पवित्र समारोह होता है। अगर वर वधु शौचालय जाते हैं तो उनकी पवित्रता भंग होती है और वो अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शादी के 3 दिन तक दूल्हा दुल्हन के शौचालय जाने पर पाबंदी रहती है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अपशगुन मानते हैं। इस रस्म को निभाने के पीछे एक और कारण है कि नवविवाहित जोड़ों को बुरी नजर से बचाना। इस बिरादरी के लोगों की मान्यताओं के अनुसार जहां पर मल त्याग करते हैं वहां गंदगी होती है और वहीं पर नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। अगर दूल्हा दुल्हन शादी के तुरंत बाद शौचालय जाते हैं तो उन पर नकारात्मकता का प्रभाव हो सकता है, जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां या खलल आ सकते हैं और रिश्तों में दरार पड़ सकती है और नवविवाहित जोड़े की शादी टूट सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार इस रस्म को कैसे निभाया जा सकता है, वो भी पूरे 3 दिनों तक, और ये संभव भी नहीं है कि 3 दिन तक कोई शौचालय न जाए। तो इसके लिए शादी के 3 दिनों तक दूल्हा दुल्हन को कोई परेशानी ना हो और वो रस्म को अच्छे तरीके से निभा सके, इसलिए उन्हें कम खाना और पानी दिया जाता है और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि वो शौचालय न जाए। इस जनजाति में शादी के बाद नए जोड़े को एक खास कमरे में रखा जाता है जहां उन्हें अपने शादी के पहले 3 दिन बिताने होते हैं। उन 3 दिनों के दौरान अगर उन्हें टॉयलेट लगती है तो उसे उन्हें रोक कर रखना होता है। नए जोड़ों को आमतौर पर कुछ लोगों की निगरानी में रखा जाता है जिनका काम होता है कि वो देखें कि कहीं जो कपल हैं वो टॉयलेट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, इसके अलावा कम खाना और पानी पी रहे हैं जिससे कि उन्हें टॉयलेट ना जाना पड़े। यहाँ पर ये रस्म बहुत ही सख्ती के साथ निभाई जाती है, लेकिन जाहिर है इस तरह की रस्म के बारे में सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।